पूना माड़ा काल दंतेवाड़ा संकल्प हुआ पूरा। बदलते दंतेवाड़ा की तस्वीर का अवलोकन करने माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर पधार रहे विकास पुरुष आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। विनित श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा, विधायक दंतेवाड़ा। अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांग नहीं मान लेती, हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी पिछले 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल अवधि में अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कराने कर्मचारी तरह तरह के आंदोलन भी कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि सरकार शीघ्र अपने चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण करे तथा नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करें। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की बेरुखी से पिछले 1.5 माह से भी अधिक समय से जारी आंदोलन से उनका विश्वास डिगा नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन नई ऊर्जा के साथ वे अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों ने शीघ्र मांगे पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन की धार और तेज करने की बात की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 9,540 रुपए करने की घोषणा की है। अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी मजदूरों का काम है, क्योंकि गर्मी का दिन है, बारिश होने पर काम नहीं चलेगा। ये लोग गलत समय में आंदोलन कर रहे हैं। इनकी प्रतिनिधि मंडल से मेरी मुलाकात हुई और मैंने 4,000 बढ़ा दिए हैं, उसके बाद भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, एक तो अभी मजदूरों का काम है, गर्मी के दिन है, बारिश लगने के बाद मनरेगा काम चलेगा नहीं, गलत समय में लोग आंदोलन किए और मेरे से मुलाकात हुई है, मैंने 4,000 रुपये बढ़ा भी दिया, उसके बाद भी आंदोलन कर रहे हैं।